तारा की गगनचुंबी यात्रा, लेखन संगीता वेलिगर, चित्रांकन सार्थक सिन्हा, अनुवाद डॉक्टर अमरदीप, प्रकाशन प्रथम बुक्स। तारा, सोने का समय हो गया, तुम कहाँ हो? माँ ने गुस्से से पूछा। तारा ने जवाब दिया, हमारे स्कूल के बाहर खड़ा वो लंबा पेड़ तुम्हें याद है? मैं उस पर चढ़ी थी। बहुत लंबा है वो, इतना कि आकाश को छूता है। जब उस पर चढ़कर मैंने नीचे देखा तो बादलों के टुकड़े तैर रहे थे, और जब ऊपर देखा तो वहाँ हंसती हुई पत्तियाँ थी। मैंने सोचा पत्तियाँ तो हंसती नहीं। तभी मेरी नजर सहमाती मुस्कुराती गिलहरियों पर पड़ी जो पत्तियों के बीच छिप रही थी। बड़ी गिलहरियों ने मुझे ढेर सारी गिरियां खाने को दी और छोटी गिलहरियां मेरे बालों में लुका छुपी खेलने में लगी थी। हम लोग घंटों खेलते रहे। फिर मुझे घर का ध्यान आया, लेकिन पेड़ से उतरना मैं जानती ही नहीं थी। यह देख गिलहरियां मदद के लिए चिल्लाने लगी। तुम्हें उन्हें सुनना चाहिए था। की, की, की। संयोग से वहां आकाश में एक बैंगनी विमान उड़ता दिखाई दिया। क्या तुम विश्वास करोगी कि उस विमान के चालक ने गिलहरियों की पुकार सुनी? तब उस विमान चालक ने विमान को थोड़ा नीचे उतारा, मुझे उस पर बिठाया और फिर घर तक लेकर आए। यही कारण है कि मुझे घर आने में देर हुई। माँ, तारा बातें बनाना बंद करो, माँ ने कहा।